नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जो आपके नसीब में है वह आपको मिलेगा अगले 24 घंटों के अंदर। जी हाँ, आज की यह संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के अनुसार है। राशिफल को निर्मित करते समय पंचांग की गणना का भी विश्लेषण किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 8 मार्च 2022 बुधवार का दिन रहेगा और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। नक्षत्र की अगर बात करें तो कृतिका नक्षत्र है। सूर्य इस दिन कुंभ राशि में है और चंद्रमा मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार करेगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं आपका राशिफल। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के सच्चा भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आइए बात करते हैं। यह समय बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। इस समय आर्थिक योजनाएं आपकी पूरी होंगी और आपके दिमाग में नई नई योजनाएं उपजेगी जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी, बता दें कि यह समय घर की किसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। इसके उपरांत आज का दिन आपके मन मुताबिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। अधिक से अधिक समय अपने परिजन के साथ व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, बता दें कि यह समय घर में कोई धार्मिक आयोजन भी संभव है और आपके नेतृत्व में कोई विशेष गतिविधि उत्पन्न होगी। देखिए, यह समय ग्रह स्थिति अच्छी रहेगी, तनाव से आपको राहत मिलेगी। इसके उपरांत घर की सुख सुविधाओं संबंधित जरूरतें आप पूरी करने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। इसके उपरांत अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय किसी नज़दीकी संबंध से कहासुनी होने की वजह से चिंताजनक स्थिति बन सकती है और इस समय शांत बने रहने का ही प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और उत्तेजना समस्या और अधिक बढ़ सकती है। इसके उपरांत देखिए, किराएदारी संबंधित मामले सुलझने में अभी आपका समय लगेगा और कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे मानसिक सुकून मिलेगा और बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। इस समय लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत यह समय किसी सदस्य के नकारात्मक बात को लेकर घर का वातावरण कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है। आपसी सहयोग द्वारा समस्याओं को सुलझाने की आप कोशिश करें। इस समय निकट संबंधियों को आपके भौतिक और भावनात्मक रूप से मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसके उपरांत अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय व्यवसाय में सभी गतिविधियों पर उचित निगरानी रखना अभी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कर्मचारियों की वजह से किसी लापरवाही का खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके उपरांत नौकरी पैसा लोगों को तरक्की के मौके भी मिलेंगे। इसके उपरांत यह समय आप अपनी योग्यता के दम पर आपको कुछ नई उपलब्धियां और ऑर्डर हासिल हो सकते हैं, इसलिए संपर्क में रहें और इस समय किसी भी ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम बनाएं। सरकारी सेवारत लोगों को कोई ऑफिशियल यात्रा भी हो सकती है और महत्वपूर्ण कार्यभार मिलने से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। इसके उपरांत यह समय कार्य क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से काम पूरे होते जाएंगे। विरोधियों की गतिविधियों पर भी अभी आपको नजर रखना होगा। इसके उपरांत आपकी कोई व्यवसाय की योजना भी लीक होने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अभी आपको पैनी नज़र बनाए रखना होगा। इसके उपरांत नौकरी में कारभार में कोई मन मुताबिक परिवर्तन मिलने से आपको खुशी महसूस होगी। इसके उपरांत अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पति पत्नी के मध्य
चल रहे तनाव का असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है। परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत विवाहित तथा प्रेम संबंध दोनों में ही उचित भावनात्मक नजदीकियां बनी रहेगी। मित्रों के साथ गेट टुगेदर संबंधी प्लान भी बनेंगे। इसके उपरांत पारिवारिक सदस्य घर में आपसी प्रेम और सद्भाव की भावना रखें। प्रेम संबंधों में बनाए रखने के लिए कुछ समय और विश्वास दोनों ही जरूरी है। इसके उपरांत अगर आपकी सेहत को लेकर बात करें तो यह समय घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें। इस समय उन्हें इलाज और भावनात्मक सहयोग दोनों जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग हरा कलर है, भाग्यशाली अंक आपका 9 है। दोस्तों, जानकारियों से अगर आप सहमत हैं और जानकारियां आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। गणेश जी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तब तक आज के लिए धन्यवाद।